नगरीय निकाय चुनावों को लेकर लगी आदर्श आचार संहिता के हटते ही नगर पालिका प्रशासन एक्शन में आ गया है। मांझी मछुआ समाज की मांग पर नगर पालिका परिषद सीहोर CMO संदीप श्रीवास्तव और इंजीनियर रमेश वर्मा के निर्देशन में गुरुवार को नगर पालिका प्रशासन के कर्मचारी मछली बाजार पहुंचे और यहां पर पुराने मछली बाजार भवन को गिरा दिया गया। JCB मशीन के माध्यम से लगभग 2 घंटे तक लगातार कार्रवाई जारी रही। मांझी मछुआ समाज के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश रेगवार ने बताया कि लंबे समय से मांझी मछुआ समाज के सैकड़ों युवक बेरोजगार घूम रहे थे। उनको दुकानें लगाने की जगह उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, जिसको लेकर कई बार तहसीलदार, SDM, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर सहित विधायक, सांसद और मंत्री को भी ज्ञापन देकर फिश मार्केट बनाने की मांग की गई थी। लगातार संघर्ष के बाद जिला प्रशासन और नगर पालिका सीहोर के द्वारा गुरुवार को मछली बाजार में पहुंचकर भवन के आसपास का अतिक्रमण हटाया गया और JCB मशीन के माध्यम से पुराने भवन को गिरा दिया गया। अब यहां पर 75 से अधिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा और यहां पर वह अपनी दुकानें लगा पाएंगे। इधर नगर पालिका के CMO संदीप श्रीवास्तव का कहना है कि सुव्यवस्थित मछली बाजार भवन बनाकर दिया जाएगा। यहां पर सभी सुविधाएं विक्रेताओं और ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। दुकानदारों और ग्राहकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना भवन में नहीं करना पड़ेगा। पानी और साफ सफाई की व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय मछली बाजार और मीट बाजार के दुकानदार सहित स्थानीय नागरिक और राहगीर, नगर पालिका के कर्मचारी, अधिकारी मौजूद रहे।